हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस। तो यार ये रेशियो एनालिसिस हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था कि कंपनी का रेशियो एनालिसिस क्या होता है, इसको अपन किस तरीके से देखते हैं। मनी कंट्रोल एक वेबसाइट रहती है जहां पर जाकर के हम किसी भी कंपनी के रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पुराने वीडियो में बता रखी है, पिछले वीडियो में, ठीक है। उसकी लिंक मैं तुम्हें ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमने लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इन दोनों रेशियोज की भी बहुत डेप्थ में बात कर रखी है, ठीक है। उस वीडियो में हमने बहुत डेप्थ में बात कर रखी है, तो अगर तुमने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो यार आज के वीडियो में तुम्हें बताऊंगा हमारे जो दो रेशियोज बच गए थे, एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो, और दूसरी चीज हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इन दोनों रेशियो के बारे में आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यार इसके बारे में जानते हैं और बिना कुछ टाइम इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार ये देख लेते हैं कि कुछ चीजें हैं ना, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पुराने वीडियो में भी बता रखी हैं, लेकिन ये बेसिक है ना, इसको जाने बिना तुम ये वाले रेशियोज कर नहीं पाओगे। तो बहुत शॉर्ट में तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ ना, तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ बहुत शॉर्ट में। देखो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपनी करंट एसेट क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी की करंट एसेट क्या होती है, करंट एसेट वो एसेट्स होती है जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी कोई भी चीज जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे अपन कहते हैं करंट एसेट। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, कंपनी का कैश आ जाता है जो उसके पास कैश रहता है, बैंक बैलेंस मतलब जो उसके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, डेप्टर, डेप्टर मतलब वो लोग जिनने कंपनी से जिनने किस पैसा ले रखा है तुम्हारा, ठीक है, जिनने भी तुमसे पैसा लिया हुआ तुम्हारा डेप्टर है, तो वो भी तुम्हारी करंट एसेट होती है। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या रहती है, ऐसी इनकम जो तुमने कमाई है बट वो तुम्हें मिली नहीं है अभी तक, है ना। तुमने कहीं काम कर लिया एक महीने तक तो वो तुम्हारी एक महीने की सैलरी तुम्हारी आउटस्टैंडिंग इनकम है जब तक वो तुम्हें मिली नहीं है, ठीक है, तो वो भी तुम्हारी करंट एसेट हो जाती है। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या रहता है, ऐसी चीज जिसका तुमने पैसा पहले ही दे दिया। जैसे तुम मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, ठीक है, तो तुम प्रीपेड कराते हो, पहले ही पैसा दे देते हो, फिर बाद में सर्विस यूज करते हो, तो वो भी तुम्हारी करंट एसेट होती है एक तरीके से, है ना, क्योंकि तुमने पैसा दे दिया है लेकिन अब वो तुम्हारे लिए एसेट है, तुम्हें उसको यूज करना है। स्टॉक, स्टॉक मैंने तुम्हें बताया था तीन चीजें रहती हैं इसके अंदर, अपना रॉ मटेरियल रहता है, ठीक है, जो सामान बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हमारा जो भी मटेरियल है पूरा नहीं बना है, बीच में कहीं पर है ना, तो वो भी हमारा स्टॉक कहलाता है। और फाइनल चीज हमारा जो रहता है फिनिश्ड गुड, जब हमारा मटेरियल फाइनल बन जाता है, तो ये तीनों की तीनों चीजें तुम्हारा स्टॉक हो जाती है, ठीक है, जो तुम्हारी करंट एसेट होती है। उसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तुमने कुछ बॉन्ड ले रखे हैं मार्केट से। उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है ना, तुमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, तो वो भी तुम्हारा एसेट है। उसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा क्या रहता है, जैसे तुमने किसी को पैसा दिया उधारी पे, ठीक है, तो उसके एवज में हम उसे एक बिल देते हैं जिस बिल पे वो साइन करता है कि हाँ मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये हमारे करंट एसेट रहते हैं। अच्छा अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटीज की, ठीक है ना। तो तुम्हारी करंट लायबिलिटीज क्या रहती है, लोन, जिनसे भी तुमने लोन ले रखा है तो वो तुम्हें लोन चुकाना है, उस लोन पे तुम्हें इंटरेस्ट चुकाना है। एक्रूड एक्सपेंस, जो भी तुम्हारे खर्चे हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन तुमने अभी तक दिए नहीं है, मान लो तुमने बिजली यूज करी थी फैक्ट्री में, उसका खर्चा हो रहा है, वो तुम्हें मंथ के एंड में देना है, तुमने वर्कर्स रखे थे उसको तुम्हें सैलरीज देनी है, तो ये सारे के सारे जो भी खर्चे होते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारी करंट लायबिलिटीज बन जाती है, ठीक है। तो अब तुम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी समझ चुके हो ना, समझदार तो तुम थे ही ना। अच्छा अब तुम्हें बता देता हूँ इनकम स्टेटमेंट क्या होती है ना, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। तो इनकम स्टेटमेंट जो रहती है वो अपनी बेसिकली ये रहती है कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी उसने कमाया वो कितना कमाया है ना, कितना कमाया, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कंपनी के पास जितना पैसा आया माइनस जितना लगा था, तो जो पैसा कंपनी के पास आया वो उसकी सेल्स हो गई, ठीक है। सेल्स का मतलब क्या होता है, जितना भी पैसा आपके पास आया एक महीने में, एक साल में, एक दिन में, जितना भी आया उसको सेल्स बोल सकते हो, उतने पर्टिकुलर टाइम की, ठीक है। सेल्स में से तुमने माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, जो तुम्हारा पैसा लगा था मटेरियल बनाने में, तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब उसके अलावा तुम्हारे कुछ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हुए थे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हुए थे, वो सब तुमने माइनस कर दिए, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे कई बार नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो जाती है, उसको भी तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ईबीआईटी आ जाएगा, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसमें से इंटरेस्ट दे देना है,
जिनसे भी तुमने लोन लिया था उसको तुम्हें इंटरेस्ट देना है, फिर तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर तुम्हें सरकार को टैक्स देना है इस प्रॉफिट में से, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे अपन PAT भी बोलते हैं। ये सारे के सारे टर्म्स तुम्हें याद होने चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो भी रेशियोज है ना उसमें ये टर्म यूज होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद तुमने क्या किया, यहाँ पर टैक्स दे दिया, फिर तुमने प्रेफरेंशियल डिविडेंड, जो तुम्हारे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर थे उनको तुमने प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे दिया, तो तुम्हारे पास बचा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना। फिर इक्विटी डिविडेंड दे दिया तुमने जो तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर थे उनको, फिर तुम्हारे पास बचा रिटेन्ड अर्निंग, फिर रिटेन्ड अर्निंग जो रहता है ना अपने पास, ये अपने पास शुद्ध प्रॉफिट है, इसको अपन ले जाते हैं अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में ले जाने का मतलब क्या है, इसको अपन अपने बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको अपन यूज करते हैं अपने बिजनेस में अगले साल। चलो अब अपन आते हैं रेशियोज पे, ठीक है। इन चीजों का हम यूज करेंगे ना, करंट लायबिलिटी का और आपके करंट एसेट का, और आपने जितने भी टर्म यहाँ पर देखे, यहाँ पे सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT, PBT, PAT, है ना, इन सारी चीजों का अपन यूज करेंगे इसमें, ठीक है। चलो एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर क्या रहता है किसी भी कंपनी का, सेल्स, उसने जितनी भी सेल्स जनरेट करी उसको अपन कहते हैं टर्नओवर। अगर कई बार आपको सेल्स नहीं दे रखा हो तो आप यहाँ पे COGS भी समझ सकते हो इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, क्योंकि सेल्स में से अपन इसको माइनस करते हैं तो अपन ने देखा था अपना आता है ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, सेल्स में से इसको माइनस करते हैं तो जो भी दे रखा हो तुम्हें वो ले लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो भी रेशियोज निकलेंगे, टर्नओवर के जो भी रेशियोज निकलेंगे ना, उसमें ऊपर सेल्स आएगा और नीचे वो चीज आएगी जो इसका रेशियो निकालना है अपने को। जैसे देखो, सबसे पहला रेशियो इसमें कौन सा निकालना है तुमको, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे ऊपर तो सेल्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी दे रखा हो वो लिख लेने का है, उसके नीचे क्या लिखना है, फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं तो नेट फिक्स्ड एसेट, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस पे आ जाओ, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, सबसे ऊपर मैंने अभी बताया सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लेना है, नीचे क्या है करंट एसेट, तो करंट एसेट लिख लेना है। करंट एसेट क्या होती है तो मैं बता चुका हूँ, चलो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या चीज है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर तो तुम्हारा सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रेशियो है, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल क्या रहती है, देखो ये चीज तुम जानते हो कि कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, है ना, ये तो फाइनेंस की अकाउंट्स की बेसिक इक्वेशन बन जाती है कि आपकी जो भी एसेट है वो होंगी आपकी लायबिलिटीज प्लस आपकी कैपिटल, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इस तरीके से, इस फॉर्म में तुमने इसको देखा होगा कि अपने पास जो भी एसेट्स पड़े हैं वो अपन की कुछ लायबिलिटी है, कुछ तो अपन ने पैसा लिया है और कुछ अपन ने खुद का लगाया, तो अपनी कैपिटल है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला आता है कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, तो ये चीज हो गई तुम्हारी। अब चौथे रेशियो पे आ जाते हैं ना, चौथे रेशियो पे आ जाते हैं अपन, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आता है, ऐसा तुम्हें याद रख लेना है, ठीक है, याद रख लेना है। अच्छा, अब अपॉन में तुम्हें क्या लिखना है, एवरेज स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो एवरेज स्टॉक तुम्हारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू। और स्टॉक क्या होता है तो मैं बता चुका हूँ, तीन चीजें होती है स्टॉक में, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है, तो ओपनिंग प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय टू, ये तो हो जाता है तुम्हारा एवरेज स्टॉक। तो इस तरीके से तुम इस रेशियो को निकाल लेते हो, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। देखो इसमें तुमसे बोल रहा है डेप्टर टर्नओवर रेशियो, क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन, ऊपर तो अपने को सेल्स ही आना है, लेकिन डेप्टर के साथ अपने कैसी सेल करी, क्रेडिट सेल करी है। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है, तुमने क्रेडिट पे पैसा दिया है उसको, है ना, तुमने पैसा उसको दे दिया है और वो बाद में तुम्हें वापस करेगा, तो इसे अपन कहते हैं क्रेडिट सेल्स। इमीडिएटली पैसा नहीं लेना, कुछ टाइम बाद लेना, वो तुम्हारा होता है क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे अपन क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, नॉर्मल सेल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब इन डेप्टर से तुम्हें क्या करना है, पैसे को लेना है, तो अकाउंट्स तुम्हारे रिसीवेबल होने वाले हैं, तो तुम्हें यहाँ पे लिख देना एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अब ये दोनों चीजें तुम कैसे निकालोगे, देखो नेट क्रेडिट सेल्स तुम्हारी क्या हो जाएगी, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तुम जितनी भी सेल करी उसमें से माइनस कर दो जो तुम्हारी सेल वापस आ गई। कुछ चीजें ऐसी भी रहती है ना, डिफेक्टिव हो जाती हैं या कस्टमर को पसंद नहीं आती है तो वापस कर देता है, तो उस चीज को तो अपन सेल में नहीं मान सकते। तो टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स, तुमने कुछ सेल्स कैश से करी है, पैसों से, है ना, और कई सारी सेल तुमने क्रेडिट में करी है, तो तुम्हें क्रेडिट वाली निकालनी है, कैसे निकालोगे, कैश को माइनस कर दो, तो वही किया तुमने यहाँ पे, टोटल में से सेल्स रिटर्न को माइनस किया, फिर कैश सेल्स को माइनस किया, तो तुम्हारी क्रेडिट सेल्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकालोगे, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल तुम्हारे क्या रहते हैं, डेप्टर्स। बिल्स रिसीवेबल क्या रहता है बेटा, बिल्स रिसीवेबल मतलब ये रहता है कि तुमसे किसी ने पैसा लिया तो तुमने उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल बना करके दे दिया कि ये भैया बिल लो
और इस पे तुम साइन कर दो कि तुम मुझे इतना पैसा दोगे, तो वो होता है तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ तो तुम सीधा सीधा लिख दो डेप्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल, और है ना, अगर तुम्हें ऐसा नहीं दिया हुआ है तो अगर तुम्हें ओपनिंग डेप्टर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेप्टर दिया हुआ है, ओपनिंग बिल दिया हुआ है और क्लोजिंग बिल दिया हुआ है, तो तुम इस तरीके से लगाओगे इन सबका सम डिवाइडेड बाय टू, है ना, एवरेज ले लोगे, तुम एवरेज ले लोगे। ठीक है, अच्छा, आखिरी रेशियो जो तुम्हारा इसके अंदर आता है टर्नओवर रेशियो के अंदर, वो रहता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो तुम्हारा क्या रहता है, जैसे उसमें अपन ने देखा था कि अपना डेप्टर टर्नओवर रेशियो था, है ना, जिन लोगों ने अपन से पैसा ले लिया है तो डेप्टर होगा, तो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। यहाँ पे क्या रहता है, नेट क्रेडिट परचेस, वो लोग रहते हैं जिनसे अपन उधारी में सामान खरीदते हैं, तो अपन ने सामान तो ले लिया लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेस, अपन ने क्रेडिट पे परचेस किया और अपॉन में क्या आ जाएगा, अकाउंट्स पेएबल, अपने को कितना पैसा देना है उनको। ठीक है, पेएबल क्या रहेगा तुम्हारा, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, है ना, क्रेडिटर मतलब जिनको तुम्हें पैसा देना है, बिल्स पेएबल मतलब जिन बिलों पे तुमने साइन किया है कि हाँ भाई मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा, तो या तो वो तुम्हें दोनों दे रखे हो या तो तुम्हें उसका एवरेज निकालना पड़ जाए ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे अपन ने पहले किया था। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे छियों के छियों टर्नओवर रेशियो। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। तो यार प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस हो रहा होता है ना, तो इसलिए ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो क्या ही मतलब है धंधा करने का, काय को टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यार, प्रॉफिट तुम्हें निकालना है तो नेट सेल्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे, पहली चीज तो ये समझ लो। ठीक है, कि तुम्हारी जितनी भी सेल हुई है ना, उसके रिस्पेक्ट में तुम निकालोगे अपना प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज अपन बात कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपना क्या रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट रहता है, मैंने बताया सेल्स के रिस्पेक्ट में निकालना है तो नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100, खत्म बात। अब इंटू 100 क्यों कर रहे हो, ताकि परसेंटेज में पता चल जाए कि आपका प्रॉफिट इतना परसेंट हुआ, परसेंटेज में क्या चीजें समझ में आ जाती हैं, इसलिए तुम्हें इंटू 100 करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारा परसेंटेज में आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीजें कैसे आती है वो तुम्हें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने तुम्हें दिखाया था, है ना, सेल्स में से तुमने क्या माइनस किया था बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स, तब तुम्हारा आया था ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद नेट सेल्स क्या होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना, अपन ने कई सारी सेल्स करी, कुछ सेल्स हमारे पास वापस आ गई, कुछ चीजें वापस आ गई, तो उसको अपन हटा देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो वो भी सिंपल है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सारी चीजें अपने को पता है कि नेट सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, तभी अपन लगा पा रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा, अब अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो और एक्सपेंस रेशियो की। ठीक है, तो तुम्हें ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है ना, ये दोनों चीजें अलग है ना, ये दोनों चीजें अलग है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, जिसको अपन एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या रहता है तुम्हारा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। उसके अलावा बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो रहता है जिसके बेसिस पे एनालिसिस होती है, कंपनीज कंपेयर होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये रहता है तुम्हारा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, काफी बड़ा सा फॉर्मूला रहता है इसका, है ना, काफी बड़ा सा फॉर्मूला रहता है। फिर आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, पर शेयर पे आपको कितनी कमाई हो रही है, तो वो होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, आपने जितना प्रॉफिट कमाया टैक्स देने के बाद उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, आपके जितने भी शेयर्स इशूड है मार्केट में। ठीक है ना, तो आपका ईपीएस आ जाता है, ईपीएस। चलो अब बात करते हैं अपन डिविडेंड पर शेयर की, कंपनीज क्या करती है, डिविडेंड बांटती है जो उनके शेयर होल्डर्स हैं अगर प्रॉफिट होता है, तो टोटल डिविडेंड पेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितना उसको डिविडेंड देना है अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो पर शेयर का डिविडेंड निकल जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका पीई रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो रहता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पीई रेशियो तुम्हारा क्या रहता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो तुमने पहले निकाला था ईपीएस, ये चीज अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, और ऊपर शेयर प्राइस, शेयर का जो प्राइस है कंपनी ने इशू किया है। आखिरी चीज है ना, आखिरी रेशियो, ये अपने आखिरी रेशियो, इसके बाद हमारा रेशियो एनालिसिस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, खल्लास हो जाएगा ना, खल्लास। देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, सारी चीजें देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचा वो डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड, तो ये तुम्हारा रहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कमेंट करके बताओ कि रेशियो समझ में आया कि नहीं आया, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका आंसर कर दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जो भी फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं,
और हाँ, अगर तुमने अभी तक भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हैं ना, दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।